ऑलराइट गाइस, सबसे पहले आप सभी का लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप वीडियो को ध्यान से देखा करो, आपको यहाँ पर चले आ जाना होगा प्रोजेक्ट को ऑप्शन पर। अब गाइस आपको ये वाला प्रोजेक्ट का लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन पे ऑल मटेरियल्स मिल जाएगा, आपको प्रीसेट फाइल भी मिल जाएंगे जिस पे क्लिक करने से ऑटोमेटिक लाइट मोशन ओपन हो जाएगा, देन इंपोर्ट करने से वो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पर इस तरह देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर गाइस आपको एक्सएमएल फाइल भी मिल जाएंगे, आप एक्सएमएल फाइल से भी इंपोर्ट करा सकते हो। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, ये जो प्लस का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा, और आप जिस भी रेसिपी पे वीडियोस बना रहे हो, अगर आप 1080 पिक्सल 2340 वाला रेसिपी पे वीडियोस बना रहे हो तो बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं 9:16 रेसिपी को चूज करता हूँ, और यहाँ पर ब्लैक कलर चूज करके मैं क्रिएट ए प्रोजेक्ट पे क्लिक कर चुका। अब यहाँ पर गाइज आपको वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पर गाइज आपको अपना ऑडियो का ऑप्शन पे जाकर वीडियो को कोई भी ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना होगा। अगर आपका कोई वीडियो है उसका ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला वीडियो का मैं ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो 3 डॉट पे क्लिक करके मैं एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे, यहाँ पर इसका ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ये ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे मैं क्लिक किया और इस वीडियो का ऑडियो एक्सट्रैक्ट हो चुका। अब गाइज आपको जैसा लाइन आ रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क करना होगा, तो कुछ इस टाइम से स्टार्ट हो रहा है, तो सायरो से कुछ इतना दूर, तो ये जो टाइम का ऑप्शन पे क्लिक करने से मार्क हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस मार्क से इस मार्क के बीच पे सायरो से लफ्ज लेकर, तो यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, थोड़े से उधार, तो थोड़े से उधार कुछ इतना दूर है, सॉरी यहां से आ रहा है इतना दूर, तो ये मार्क को मैं हटा देता हूं। बोलना ये फिर चाहता हूं इतना दूर, तो आपको इस तरह देख सकते हैं इस मार्क से इस मार्क तक इसके बीच पे सायरो से इस मार्क तक लफ्ज लेकर इस तरह आपको लिरिक्स सब आ रहे हैं, तो आपको इस तरह मार्क कर देना होगा। तो मैं ठीक मार्क कर देता हूं इसके अकॉर्डिंग। ऑलराइट, यहां पर मैं मार्क कर चुका हूं। अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको यहां पर प्लस पे क्लिक करना होगा, मीडिया पे जाना होगा, और गाइस आपको कुछ इस टाइप के फोटोशॉप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो इस टाइप का फोटोशॉप आप कहां से फाइंड करना है, तो आपको पिंटरेस्ट एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो पिंटरेस्ट एप्लीकेशन को मैं ओपन कर चुका, देन सर्च का ऑप्शन पर जाना होगा, और जो फोटोशॉप आप देखें मैं कुछ फोटोज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, तो आपको क्या करना होगा उन फोटोशॉप को यहाँ पर इस तरह चूज करना होगा। चूज करने के बाद वो ठीक उसी टाइप का फोटोशॉप को सिमिलर फोटोशॉप को इस तरह फाइंड कर देता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप देन आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हो, तो इस तरह आप 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड भी लगा सकते हो, इस तरह आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड इमेज। ऑलराइट, यहां पर जैसे कि मैं फोटोज को इंपोर्ट कर चुका, अब यहां पर गाइज आपको वो फोटो को एक्सटेंड कर देना होगा एंड तक। अब यहां पर गाइज आपको क्या करना होगा, बैक करना होगा, और जो आपका लॉफी टेक्स्ट इफेक्ट वाला प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना होगा। अब यहां पर जैसे कि आपका एंड पे फोटोज मिलता है, इस फोटोज पे क्लिक करना होगा, इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स करना होगा, देन बैक करना होगा, और यहां पर गाइज आपको सेम अपना वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा, और इफेक्ट्स का ऑप्शन पर जाना होगा फोटो का, देन 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना होगा। तो देख सकते हैं इस तरह पेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह देखने को मिलता है, और यहां पर गाइज आपको विनेट अपने अकॉर्डिंग यहां पर सजा सकते हो, जैसे कि अगर आप इस तरह जूम करना चाहते हो तो इस तरह विनेट का साइज को इधर कर डिक्रीज कर दीजिएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा, और इस तरह करने से वो इंक्रीज हो जाता है। तो आपको पर डिपेंड करता है, आपको जैसा मर्जी आप करा सकते हो। तो जैसे कि मैं इस टाइप का इतना रख रहा हूं, और यहां पर मैं फोटोज को क्या करता हूं, थोड़ा सा मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाके छोटा कर लेता हूं कुछ इतना, और इस फोटो को मिडिल पे कर लेना है आपको। अब यहां पर गाइज आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको यहां पर उसके बाद बैक करना होगा, और यहां पर गाइज आपको लोफी टेक्स्ट के अंदर जैसे कि आपको ये वाला टेक्स्ट मिल जाएगा, तो ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी लेयर करना होगा। अब यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं इसके अंदर एक फॉन्ट है, जो कि एडिट फॉन्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं ये वाला फॉन्ट है, तो ये मैं बता देता हूँ ये फॉन्ट आपको किस तरह इंपोर्ट करना होगा। तो आपको बैक कर लेना होगा, और यहाँ पर जाके ठीक जहाँ से आपका लिरिक्स आ रहा है उस वहाँ पर आपको इंपोर्ट कर देना होगा उस मार्क पे। किस तरह करना होगा, ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये जो फॉन्ट है, आपको ये वाला फॉन्ट पे क्लिक करना होगा, व्यू ऑल फॉन्ट्स, इस 3 लाइन पे क्लिक करना होगा, इंपोर्ट फॉन्ट्स, देन आपका जहाँ पर भी फॉन्ट्स है आप जिस भी फोल्डर पे रखे हो आप उस फॉन्ट को यहाँ पर इस तरह फाइंड करके
चूज़ कर लीजिएगा उसका .ttf फाइल इस तरह, देन सिलेक्ट पे करने से वो इंपोर्ट हो जाएगा। देन आपको बैक करना होगा और इंपोर्टेड को चूज़ कर लेना होगा इस तरह, और सबसे एंड पे आपको यहाँ पर वो फॉन्ट देखने को मिल जाएगा, तो आप उस फॉन्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर गाइज आपको जो ये लिरिक्स है इससे आपको नेक्स्ट बिटमार्क तक टाइम का ऑप्शन पर जाकर एक्सटेंड कर देना होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी लाइन है उससे टाइप करना होगा। तो देख सकते हैं मैं ये वाला है सायरो से, अब यहाँ पर इस मार्क से जाके फिर से आपको पेस्ट कर देना होगा और उस टाइम पर जाके यहाँ पर एक्सटेंड कर देना होगा। तो यहाँ पर उसके बाद एडिट टेक्स्ट पे जाना होगा और जो भी लाइन है, जैसे कि मैं टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी लाइन है आपका, तो ये वाला लाइन है तो इसे मैं टाइप कर चुका। आपको अगर आपको डिफरेंट टाइप का फॉन्ट चाहिए तो आप वो अपना भी फॉन्ट लगा सकते हो। तो यहाँ पर इस ये लाइन के बाद यहाँ पर फिर से टाइम स्पेस क्लियर कर देना होगा और उस टाइम तक वो वाला टाइम का ऑप्शन पर जाके एक्सटेंड करना होगा। देन एडिट टेक्स्ट पे जाके आपको चेंज करना होगा जो भी लिरिक्स है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे कि चले जाता हूँ यहाँ पर और टाइप कर लेता हूँ उस लाइन को थोड़े से उधर इस तरह। अब यहाँ पर फिर से टाइम का ऑप्शन पर जाके ये वाला आइकन पे क्लिक करके पेस्ट लेयर करना होगा और वो लिरिक्स लेयर को चूज़ करके नेक्स्ट बिट मार्क तक आना होगा, टाइम का ऑप्शन पर जाके एक्सटेंड, देन एडिट टेक्स्ट पे जाके जो भी लाइन है आपको टाइप करना होगा। तो मैं सारा इस तरह लिरिक्स सब टाइप कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लिरिक्स सबको ठीक मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइप कर चुका हूँ, आपको भी इसी तरह कर लेना होगा। देन यहाँ पर गाइज अभी देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आप अपना यहाँ पर ऐसे ही रख सकते हो। अब यहाँ पर गाइज आपको प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना होगा और गाइज आपको एक डिस्क्रिप्शन पे वीडियो मिल जाएगा, तो सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे ऑल मटेरियल्स पे मिल जाएंगे। तो जैसे कि आपको ये वाला वीडियोज़ को इंपोर्ट करना होगा, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं ये वाला वीडियोज़ को इंपोर्ट करने के बाद आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाना होगा, साइज का ऑप्शन पे जाके आपको वीडियोज़ को इस तरह फुल कर लेना होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको ब्लेंडिंग ओपेसिटी डिफरेंस एंड सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करना होगा। सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको अगर इसका ऑडियो रहता है तो म्यूट कर दीजिएगा इस तरह। तो यहाँ पर जैसे कि अभी देख सकते हैं इस तरह आपका ऑलमोस्ट वीडियो इस टाइप का बन जाएगा। देन आपको यहाँ पर बैक करना होगा और गाइज आपको टेक्स्ट वाला इफेक्ट पे जाना होगा, और यहाँ पर गाइज ये जो आप देख सकते हैं नीचे वाला लेयर का भी काम हो चुका है और ये टेक्स्ट वाला भी। अब आप पर अपर का जो दो लेयर है इसे आपको होल्ड करके इस तरह आइक ऑप्शन पर होल्ड करके सिलेक्ट करना होगा, देन ये वाला आइकन पे क्लिक करके कॉपी टू लेयर्स, देन बैक करना होगा और यहाँ पर गाइज आपको अपना प्रोजेक्ट का ऑप्शन पर जाना होगा और ये वाला आइकन पे क्लिक करके आपको पेस्ट टू लेयर्स। अब ये जो दो लेयर है आपको ठीक आपके एंड तक टाइम का ऑप्शन पर जाके एक्सटेंड कर देना होगा, दोनों लेयर को टाइम का ऑप्शन पर जाके एक्सटेंड कर देना होगा। अब जैसे कि अभी आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइप का है, तो ये जो आई का ऑप्शन है ये आई का ऑप्शन पर क्लिक करने से आपका कुछ ये इस टाइप का बन जाएगा और इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। अभी देख सकते हैं अब दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसे अगर आप ये वीडियो को होल्ड करके अपर में भी रख सकते हो तो कुछ इस टाइप का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा और कुछ इसे इस टाइप का कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर आप इस तरह जो लेयर सब है जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप वो दोनों लेयर को पूरा एंड तक कर देते हो, यानी कि मैं यहाँ पर जस्ट टेक्स्ट को दिखा रहा हूँ, जो टेक्स्ट है उसे अपर करके दिखा रहा हूँ, तो आपको कुछ इस तरह देखने को मिलेगा। देख सकते हैं टेक्स्ट आपका ये जो दो लेयर है इसका अपर पे रखते हो तो इस तरह रहेगा, और ये जो टेक्स्ट है इसका दो लेयर के नीचे रखोगे तो इस तरह शैडो टाइप का देखने को मिलेगा। आपको ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा मर्जी आप करा सकते हो, वरना अगर आपको पसंद नहीं है शैडो आना तो ये जो दो लेयर है आपका ये दो लेयर को आपको सबसे नीचे पिक कर देना होगा, जो कि लिरिक्स जो लेयर है उसके नीचे। अब शेयर का ऑप्शन पे क्लिक करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा प्ले करके यहाँ पर दिखाता हूँ।